ये तो सबको पता ही है कि सुपरस्टार सलमान खान अपने घर के हर बच्चों से कितना प्यार करते हैं। सलमान खान के बारे में बात करें, रिसेंटली उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो फायरिंग हुई, ओपन फायरिंग, इसके बाद से ही सलमान पनवेल फार्म हाउस शिफ्ट हो सकते हैं, इस तरह की खबरें बनी रही। खैर, यहाँ आपको हम हमारी इस रिपोर्ट में ये बताने जा रहे हैं कि सुपरस्टार सलमान खान ने अपने जीवन में अपने लिए कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया कि वो अपनी संपत्ति को किसी एक के नाम करे। उनका प्यार हमेशा से बराबर में बटा, भाई बहनों में, बहनों के बच्चों में, भाइयों के बच्चों में। सलमान अपने परिवार के हर सदस्य से इतना प्यार करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश में वो हर प्रयास करते हैं। ऐसे में सलमान खान, जिनके पास 2700 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उन संपत्ति को अगर वो 5 हिस्से में भी बांटे तो भी अगर देखा जाए तो अरबों की दौलत होगी उन बच्चों के पास जो कि सलमान के चहेते हैं। बात करें आहिल के बारे में, अर्पिता के बेटे के बारे में, या बेटी आयात के बारे में, अर्पिता के अलावा अलवीरा के अगर बेटी और बेटे के बारे में बात करें, या फिर बात करें अरबाज के बेटे और सोहेल के बेटों के बारे में, तो ये सच है कि अपने सभी घर के बच्चों से भतीजी, भतीजी और भांजी के साथ, भतीजे के साथ बहुत गहरा लगाव है सलमान का। सलमान के इन अरबों की दौलत के आने वाले समय में मालिक और मालकिन उनके वही बच्चे होंगे। बहनों के बच्चों से ज़्यादा ही लगाव है सलमान खान को। ये कहा जा रहा है कि सलमान खान के जो कारोबार है, जैसे कि बीइंग ह्यूमन, इसको डील भरे ही सरीम करते हैं, लेकिन सलमान खान के पास अपना इंडिया में कई जगहों में जिम है, और सलमान खान के टी शर्ट्स, ब्रेसलेट्स की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट्स वो कई कारोबारों में कर चुके हैं। उन्हें कौन संभालेगा? उनका प्रोडक्शन हाउस है एसके फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस, उसे कौन संभालेगा? तो आपको बता दें, अर्पिता के बच्चों से ज़्यादा ही सलमान को लगाव है, और तो और अलवीरा की बेटी से भी सलमान को उतना ही लगाव है। ऐसा कहा जाता है कि सलमान के इन संपत्तियों को लेकर आने वाले टाइम में उनके घर के ये बच्चे होंगे जो उनके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे और इस कारोबार को संभालेंगे। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।